इसी तरह से एक बार बाबा ने कुमारों की बेटी की मधुबन में सभी भारत से कुमार आए थे, बाबा भी मिलने आए। बाबा बहुत गहरी गहरी बातें कुमारों से कर रहे थे। अचानक बाबा की लहर बदली, क्योंकि लहर ही बाबा है। वो तब लहर बदलने कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बाबा का एक नाम क्या है, लहरी बाबा। उसकी लहर बदलती रहती है। बाबा ने कहा कुमार बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। हम भी पीछे पीछे बैठे थे, कम से कम 15 साल पहली बात होगी। तो बाबा ने कहा जो कुमार बच्चे हैं ना, जो घरों से बाहर रहते हैं, बाहर का तो वो खाते नहीं, खुद बनाते हैं, पर बाबा को इतना प्यार करते हैं कि बाबा को भूख लगाए बिना नहीं खाते। फिर बाबा मुस्कुराए, कुमारों को दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा पता बच्चे भूख कैसे लगाते हैं, तो पटिशन भी बता दू। तो सबने कहा हाँ बाबा बता। तो बाबा ने कहा कुमार बिजी बहुत होते हैं, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, रोटी चपाती से मुक्त रहते हैं, पुलाव खिचड़ी पुआ सबसे फेवरेट खाना होता है उनका। कुकर में सीटी लगाएंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रखेंगे, बाबा इसमें खा लेंगे, बिजी बहुत हूँ। बाबा भी ऐसे ही हंसे जैसे आप हंसे। बाबा ने कहा बच्चे को कितना भी बिजी क्यों ना हो, खुद कुकर में खाएगा क्या, अपने लिए तो प्लेट में निकालेगा कि नहीं निकालेगा, नहीं तो जब बच्चा नहीं खा सकता कुकर में तो बाबा कैसे खाएगा, खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। तो बाबा का इशारा था ये कि देखो कुमार भोग तो लगाते पर तरीका क्या है। और इंडिया में सभी स्टेट में सभी बड़े सेंटर्स में ये क्लास मैंने कराई है। हर सभा में से एक दो कुमार जरूर मिलते हैं, कहते हैं बहन जी हम भी ऐसे लगाते थे, हम भी कुकर में ही भोग लगाते थे, जब बहुत ज्यादा बिजी होते जल्दी में होते बाबा के सामने कुकर ही रखते थे। तो केवल भोग स्वीकार ही नहीं करता, उसकी निगरानी में भोग बनता भी है।